आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये तीन तरह से होता है। एक को कहते हैं टेस्टिस, दूसरे को कहते हैं एसेसरी डक्ट, तीसरे को कहते हैं एसेसरी ग्लैंड और चौथे कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आप जानते हैं कि ये जो टेस्टिस है, डायग्राम के सहारे अगर हम देखें तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड रहता है। ये पेयर में कितना होता है? दो होता है। ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उस कोर टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बिलो होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि टेस्टिस है, टेस्टिस ना कितना नंबर होता है? दो टेस्टिस होता है। ये जो कॉवर्ड होता है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको टेस्टिस कहा जाता है। ये कॉवर्ड होता है जो लेयर उसको स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। और ये स्क्रोटम से बाउंडेड होता है तो टेस्टिस चूंकि इसका लोकेशन एब्डोमिनल साइड से बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि आप जानते हैं का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है कोर टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, तब जाकर के टेस्टिस से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके फॉर्मेशन में काम आता है। तो आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब बिलो इस टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होना चाहिए, जिसके वजह से टेस्टिस से जो स्पर्म सिक्रीट होता है उसके फॉर्मेशन में आता है। मतलब ये कहना है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना नेसेसरी है। तब जाकर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो पहला पार्ट क्या होगा? टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? बॉडी के एब्डोमिनल साइड्स के बॉडी के बाहर ये जो लोकेटेड होता है, क्योंकि इसका बॉडी जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए इसलिए बाहर ये लोकेटेड होता है। दूसरा क्या करता है? आप जानते हैं कि दूसरा है एसेसरी डक्ट्स। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दूसरा एसेसरी डक्ट है जो जो इस एसेसरी डक्ट में क्या होता है, जो एसेसरी डक्ट है एक ट्यूब है जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और उस स्पर्म का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफरेंट ट्यूब डिफरेंट डक्ट के सहारे क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो डक्ट क्या होता है? ये जो एसेसरी डक्ट है जो है वो बना होता है रीटर टेस्टिस से, वास इफरेंसिया से, ईपीडी डायगैमस से और दूसरा वार्ट डिफरेंस से। ये जो डक्ट है दीज आर द एसेसरी डक्ट्स। ये क्या है? ये एसेसरी डक्ट्स है जिसके थ्रू जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन से जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का वो थ्रू दिस डक्ट्स दिस ट्यूब के सहारे क्या होता है ये पहुंचता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो मतलब ये हुआ कि एसेसरी डक्ट्स क्या हुआ? रीटेड टेस्टिस। टेस्टिस के बाद क्या होता है? वास इफरेंशिया। वास इफरेंशिया के बाद क्या होता है? ईपीडी डायगैमस। और चौथा क्या होता है? वास डिफरेंस। आप जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके बाहर कहा जाए कि इसके बाहर आपको क्या होता है? ये पार्ट है वास डिफरेंस। एनसीईआरटी बुक ये नहीं लोकेट किया है, एनसीईआरटी बुक ये इंडिकेट किया है कि जो जो ये एरिया है जो आपके टेस्टिस के बाहर का एरिया है उसे आप क्या कहते हैं? वास रिफरेंस कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो तीन पार्ट्स है वो तीन पार्ट्स कहां लोकेटेड होता है? ये दिखाई तो नहीं देता है, ये लोकेटेड होता है इस साइड्स में, इस साइड्स में लोकेटेड रहता है तीनों पार्ट्स, रिटेड टेस्टिस, वास रिफरेंस, ईपीडी डायग्राम्स। मतलब ये इस पार्ट से जो है, ये पार्ट जो लोकेटेड है इस पार्ट में क्या होता है? ये वास इफरेंशिया,
टेस्टिस इपीडिट, इपीडिट डायजाइमस क्या होता है, लोकेटेड होता है जस्ट आउटसाइड द टेस्टिस जस्ट कंटेनिंग द वास डिफरेंस। तो आप देखिए यहां पे, तो एसएससी डक्ट में क्या हुआ, रिक्टे टेस्टिस वास डिफरेंसिया इपीडी डायमस एंड वास डिफरेंस, कहने मतलब ये जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन कहां हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। टेस्टिस में जो ये जो स्पर्म है जब ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट पार्ट से लोकेटेड ये एसएससी डक्ट्स है, वाला वास डिफरेंस से क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये कार्ड बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और कहां खुलता है, वो खुलता है आपको एसेसरी ग्लैंड में। तो लीटे टेस्टिस कहां खुलेगा, लीटे टेस्टिस खुलता है वास डिफरेंशिया में, और वास डिफरेंशिया में कहां खुलेगा, ये ओपन होता है ईपीडी डायमिस में, और ईपीडी डायमिस कहां ओपन होता है, वास डिफरेंस में। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वह इन करेगा कहां, एसेसरी ग्लैंड्स में। आप जानते हैं फ्रेंड, ये जो एसेसरी ग्लैंड है तीन तरह का होता है, क्या तरह का होता है, एक होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरे को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे को कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज ए कॉपर ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या है, कॉपर ग्लैंड है। तो आप जानते हैं ये जो है, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये तीन तरह क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होता है। क्यों, ये तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जब स्पर्म से, जब टेस्टी से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है आपको, ये जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कहलाता है। तो स्पर्म कहां पहुंचा, एसेसरी ग्लैंड में। एसेसरी ग्लैंड का पहला पार्ट कौन सा हुआ, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में आप देखते हैं इसमें स्पर्म है, आप ये जानते हैं कि सेमिनल वेसिकल कैविटी ऑफ द फ्लूइडी सब्सटेंस कॉल्ड द सीमेन, क्या बोलते हैं, जो फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, जो फ्लूइडी सब्सटेंस कहां होता है, वो सेमिनल ग्लैंड में होता है, जिसको आप सीमेन के नाम से जाना जाता है, जिस सीमेन के अंदर में क्या होता है, ये आपका स्पर्म जो है डिस्पर्स करता रहता है, इमर्ज करता रहता है। तो ये स्पर्म आप जानते हैं कि इस सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, इस सेमिनल वेसिकल में डिफरेंट टाइप्स का केमिकल होता है, डिफरेंट टाइप का एनर्जेटिक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्रुक्टोज, इसको कहा जाता है कैल्शियम, और इसमें एंजाइम भी होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है। तो सेमिनल वेसिकल में क्या हुआ, सेमिनल वेसिकल में फ्रुक्टोज है पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या काम करता है, जो फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म को एनर्जेटिक बनाए रखता है। फ्रुक्टोज क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जेटिक बनाए रखता है, और कैल्शियम जो है इस सेमिनल वेसिकल में, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सेमिनल वेसिकल में है, इसमें जो फ्लूइडी सब्सटेंस है अल्कलाइन मीडियम है, वन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में, और इस अल्कलाइन मीडियम आप जानते हैं कि फ्रुक्टोज एनर्जेटिक प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम क्या करेगा, ये जो मीडियम है फ्लूरी सब्सटेंस, उसको अल्कलाइन मीडियम में बनाया जाता है। क्यों बताएंगे आगे, कि ये अल्कलाइन मीडियम बनाता है एंजाइम जो है वो आपको एक्टिवेट कराता है स्पर्म को। ये जो पहला है ग्लैंड उसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, इसमें फ्रुक्टोज होगा, इसमें कैल्शियम होगा, जिसमें एंजाइम होगा, जो फ्रुक्टोज एनर्जी बनाए रखता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी मेंटेन करता है स्पर्म को, और वो कैल्शियम क्या करता है, ये अल्कलाइन मीडियम में उसको बनाए रखता है, और एंजाइम क्या करता है, इस स्पर्म को क्या करता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो ये हुआ पहला सिग्नल वेसिकल। आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो स्पेस है जहां से आपको सेमिनल वेसिकल में खुलता है, और ये जो स्पेस है इसको कहा जाता है ईजैकुलेटरी डक्ट, क्या कहते हैं इसको,
इजैकुलेटरी डक्ट का होता है, ऐसा डक्ट जो वास डिफरेंस से होते हुए ओपन करता है सेमिनल वेस्टी में, और एक साथ होकर के क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है। इधर से ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो यूथ्रा है, यूथ्रा में क्या होता है, ये ओपन करता है। ये सेमिनल वेस्टी पहला ग्लैंड। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। का प्रोस्टेट ग्लैंड, अब बताएंगे आगे क्या होता है इसका प्रॉब्लम। और कहने मतलब ये तीनों ग्लैंड जो है, बल्बो यूथ्रल या कॉपर ग्लैंड, ये टोटल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया रहता है, उसको मेंटेन किया रहता है। तो ये जो तीनों ग्लैंड है, जिसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में एक होगा, और ये जो सेमिनल वेसिकल है और ये बल्बो यूथ्रल ग्लैंड है, पेयर में होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होगा, बाकी जो सेमिनल वेसिकल है वन पेयर में होगा, दो होगा। आप ये चीज देख लीजिए कि किस तरह से टेस्टिस से स्पर्म इंटर कर रहा है, कहां, एसेसरी डक्ट्स में। एसेसरी डक्ट्स में कैसे इंटर कर रहा है, डिफरेंट वे से। ये जो पाथवे है, दीज आर द पाथवे, ये पाथवे है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट होने का। मतलब नीचे टेस्टिंग हुआ, जैसे फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। आप जानते हैं जैसे फॉर्म होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो पहला इंटर कहां करेगा, रिटेटेस्टिस में। दूसरा इंटर कहां करेगा, वास डिफरेंस में। तीसरा इंटर कहां करेगा, ईपीडी डायडाइमिस में। और ईपीडी डायडाइमिस होते हुए, वास डिफरेंस होते हुए, वो इन करता है एसेसरी ग्लैंड में। वो बोन फास्ट एसेसरी ग्लैंड है, उसको आप क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। अब उसके बाद स्टार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक ये कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये कौन सा ऑर्गन है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन है। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, ये जब ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा, इधर से यूरिन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, इधर से स्पर्म का भी ट्रांसपोर्ट होता है। और स्पर्म में कौन सा फ्लूइड रहता है, स्पर्म में क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है। तो वो यही करेगा, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया से होकर के वो आपको क्या है, इस एक्सटर्नल जेनिया से होकर के ये यूथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और उसके थ्रू ये इन करता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, जहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब हुआ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहां देखें आप, ये तो एक डायग्रामेटिक के हेल्प से यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन आपको जानना है, याद करने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट्स, क्या इसका पाथवे है, कौन सा पार्ट है, कौन सा सिक्रीट कर रहा है। एसेसरी ग्लैंड है तो कितने तरह का एसेसरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है तो कहां से कहां तक है। आप एक चीज देख रहे कि इसमें मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे। आप तीन मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है, दूसरा है एनाटॉमिकली हम देखेंगे। जब आप टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, जब उसे टीएस काटते हैं, तो जब आप टीएस काटते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। आप इस तरह देखे, इस डायग्राम में देखिए, आप जैसे टेस्टिस को आप टीएस करते हैं, जैसे आप टीएस काटेंगे, इट सो द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लेयर डिवाइड, ये डिफरेंट पार्ट्स में दिखेगा। ये तो एक टेस्टी की बात हो रहा है, टेस्टी कितना होता है, ये दो होता है, नंबर ऑफ टेस्टी टू। तो ये जब डिवाइड करेगा, तो ये जो डिवाइड है डिफरेंट लेयर में डिवाइड होता है। जब आप टेस्टिस का टीएस काटेंगे तो आप डिफरेंट लेयर में डिवाइड करता है। एक जो लेयर है, एक चीज जान लीजिए, ये जो लेयर है, ये जो टेस्टिस के अंदर में कंपार्टमेंटल का फॉर्म होता है, टेस्टिस के अंदर में कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है, लोब का फॉर्मेशन होता है, जिस लोब को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिकुलर लोब। जिस कंपार्टमेंट का फॉर्म होता है,
जिस लोब का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब कहा जाता है। और इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर में जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक कॉन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको सेमिनिफेरस टिब्यूल कहा जाता है। जो लोब है उसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब। ये टेस्टिस का जो लोब आप देख रहे हैं, ये लोब इसको लोब कहा जाता है। ऐसे लोब को आप क्या कहेगा, टेस्टिकुलर लोब कहा जाता है। इस टेस्टिकुलर लोब में जो प्रोजेक्शन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। आप कहिएगा कि इसमें कितना स्ट्रक्चर होता है। इस टेस्टिकुलर लोब में टोटल होता है 250। कितना होगा टोटल टेस्टिकुलर लोब में, कितना लोब होगा, 250 नंबर ऑफ लोब। और उसके अंदर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सेमिनल फेरस टिब्यूल है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब तो सिंपल वे में कहा कि टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है। कहां होता है फॉर्मेशन, सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है, जिसका नंबर कहां होता है, जिसका नंबर होता है 1, 2, 3 होता है, 1 से 3 होगा। मतलब है कि एक कंपार्टमेंट में, एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 होता है, और पूरा टेस्टिकुलर कितना है, 250। तो आप सकते हैं कि टोटल जो है आपका, टोटल जो टेस्टिकुलर लोब में सेमिनल फेस संख्या कितनी हो जाती है, लगभग 750 के आसपास होती है। यहाँ एग्जाम रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस साइड से क्वेश्चन। तो ये टोटल 750, आप एक चीज जान लीजिए, यहां स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जब आप टीएस काटते हैं टेस्टिस का, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। पहला को क्या कहा, पहला कहा हम इसको टेस्टिकुलर लोब, जो एक लोब में डिवाइड रहता है, और जिसके अंदर में क्या होता है, जिसके अंदर में सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, जिस सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ। कितना टेस्टिकुलर लोब है, 250। कितना सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इस लोब में कितना है, तो 1 से 3 क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। और टोटल कितना हो गया, अप्रॉक्स 750 के आसपास। आप यहां देख लीजिए, ये जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो स्पर्म का फॉर्म डिफरेंट पाथवे से जाएगा। पता नहीं कैसे जाता है, पाथवे से जाता है, डिफरेंट पाथवे से जाएगा। तो डिफरेंट पाथवे होते हुए कहां जाता है, यही यहां सीन करेगा तो पहले नीटेड टेस्टिस में जाएगा, नीटेड टेस्टिस के बाद कहां जाएगा, वास इफरेंशिया में जाएगा, वास इफरेंशिया कहां जाएगा, ईपीडी डायमिस में जाएगा, और ईपीडी डायमिस के बाद कहां जाता है, वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस में। ये जो पार्ट से वास डिफरेंस, ये टेस्टिस के अंदर में होता है, और ये जो दिखाई देता है वास डिफरेंट टेस्टिस से बाहर, जो आपके एनसीईआरटी के जो इसमें जो मैग्निफाइंग स्ट्रक्चर है, ये बाहर सिर्फ बाहर जो है वास डिफरेंट दिखाया जाता है। तो आपने यहां देखा किस तरह से, किस डिफरेंट पाथवे से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, और स्पर्म जो है फीमेल जेनिटेलिया में इन करता है। उसके बाद क्या है, आप यहां देख लीजिए, आप जानते हैं ना ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, आप जानते हैं कि कितना है नंबर ऑफ 3। तो एक चीज जान लीजिए, ये दो स्पेस, दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल सेल। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टीशियल सेल। इसके बीच में, दो सेमिनिफेरस के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल सेल कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल। इसका दूसरा नाम क्या हुआ, लेडिक सेल भी कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल सेल कहा जाता है। मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो सेल होता है उसको ही आप क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल सेल कहा जाता है, या उसको क्या कहते हैं, उसे आप लेडिक सेल कहता है, जहां जो टेस्टिस जिस हार्मोन का सिक्रीशन करता है यही से सिक्रीट होता है, और ऐसे हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। अब ये दिखते थी, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस जो टिब्यूल है
हम देखें कि सेमिना फेरस यूटिब्यूल है। इस सेमिना फेरस टेब्यूल में क्या होता है, दो तरह का सेल होता है। एक को क्या कहते हैं, अब यहां देखिए, ये एक छोटा है स्मॉल साइज का है, दूसरा बड़ा साइज का है। ये जो छोटा सेल है इसको मेल जर्म सेल कहा जाता है, मेल जर्म सेल कहा जाता है, और इसको जो है सर्टोलाई सेल कहा जाता है। कौन सा सेल कहा जाता है, सर्टोलाई सेल। मतलब सेमिना फेरस टिब्यूल में कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, एक एमजीसी मेल जर्म सेल, और दूसरे क्या कहते हैं, सर्टोलाई सेल कहा जाता है। ये मेल जर्म सेल क्या करता है, ये जो मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। हमने बताया था ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल में, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के किस सेल में होता है, तो सेमिनल फेरस टिब्यूल के किस सेल में होता है, तो सेमिनल फेरस टिब्यूल के मेल जर्म सेल में होता है। मतलब यहां जो है वो आपको स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये दूसरा जो है सर्टोलाई सेल, ये क्या करता है, ये सर्टोलाई सेल जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को। ये न्यूट्रिशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। तो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा सेल है जो आपको स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सर्टोलाई सेल जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जानते हैं कि ये सेमिना फेरस टिब्यूल दो सेल से मिलकर बना है, एक को कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल कहा जाता है, दूसरा जो बड़ा यहां इंडिकेट किया है इसको सर्टोलाई सेल कहते हैं। जो सर्टोलाई सेल क्या करेगा, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आपने यहां देखा, ये सेमिना फेरस टिब्यूल देखा, आपने होल ये देख लिया, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ने देखा कि जो डायग्राम का जो ये है तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है, एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी डक्ट्स के बाद क्या ओपन होता है, ये एसेसरी ग्लैंड है, और एसेसरी ग्लैंड के क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ये होता है। आपने देखा कि टीयर को जब कट करते हैं, कट करने का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसमें बाहर वाला जो लोब होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब कहा जाता है। जिसका जो कंपार्टमेंट है वो कितना रहता है, 250 ईच कंपार्टमेंट, 250 जो होता है आपको ये टेस्टिकुलर लोब होता है, और ईच लोब में कितना सेमिना फेरस टिब्यूल होता है, 1 से 3 होता है। आप देख लीजिए, आप जानते हैं ना कि ये जो तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है डिफरेंट से ग्लैंड के थ्रू, ये पाथवे के थ्रू जो आप एक्सटर्नल जेनेटेरिया है वो जाकर के फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में क्या होता है, इन कर जाता है। आपको मैंने कहा था कि ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में कैल्शियम होता है, स्पर्म में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, स्पर्म में क्या होता है, एंजाइम होता है। आप जानते हैं ना फ्रुक्टोज एंटीबॉडीज करता है, एंजाइम जो है स्पर्म को एक्टिवेट करता है। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम इस फ्लूड को, ये सीमेन के अंदर जो फ्लूड है सेमिनल फ्लूड, उसको अल्कलाइन मीडियम बना रखता है। क्यों, आप याद देखिए, आप जानते हैं कि ये जब स्पर्म जब एक्सपेल होता है इनटू द फीमेल जेनिटेलिया ऑर्गन, तो उस फीमेल जेनिटेलिया के ऑर्गन के अंदर जो बाहर का जो पार्ट लेयर है, वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, वहां का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, क्योंकि वहां का जो, वहां पे का जो बैक्टीरिया है उस इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाए रखता है। तो ये जो अल्कलाइन मीडियम है, जो कैल्शियम जिस फ्लूड को अल्कलाइन मीडियम बनाए रखता है, जब स्पर्म इंटर करता है इनटू द फीमेल जेनेटेरिया, जब फीमेल जेनेटेरिया इंटर करेगा, अगर ये अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा, एसिडिक मीडियम सीख होगा, वहां स्पर्म क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो जाए, वाइस वन क्या होगा, मर जाएगा। तो यहां जरूरी है कि इस सेमिनल फ्लूड में अल्कलाइन मीडियम का होना नेसेसरी है ताकि जो स्पर्म सर्वाइव कर सके, और इजिली वे में वो इंटर कर जाए फीमेल जेनेटेरिया ऑर्गन में, जहां आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो एक तो ये है। अब एक चीज देख लीजिए,
जहां जो देखना है आपने देखा ना कि एक चीज देख लीजिए, ये आपने देखा कि ये जो पेनिस है, पेनिस के अंदर में जो ग्लैंड है, जो स्किन है, दो चीजें, एक ग्लैंड है जो आउटर कवरिंग मस्कुलर लेयर होता है, दूसरा है उसके अंदर में जो क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है, फॉरेन स्किन होता है। आप जानते हैं कुछ कम्युनिटी में, चाहे वो जेसस कम्युनिटी में हो या मुस्लिम कम्युनिटी में हो, वहां इसका सर्कमसीजन किया जाता है बाय द सर्जरी मेथड से, उस मसल्स को हटा दिया जाता है, ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स जो पेनिस है उसको क्या कहता है, उसको हटा दिया जाता है। जनरली उस ज्यूस और मुस्लिम कंट्री में एचआईवी का इंफेक्शन होने का चांस कम होता है, यह आज के डेट में साइंटिफिकली रिसर्च करके बताया गया। अब एक चीज जान लीजिए, आप जानते हैं ना यहाँ पे मेन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबसे इंपोर्टेंट वह सेमिनल है सिक्किम, उसके बाद कहा था प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है कि आपके जो फैमिली में जो ओल्ड फैमिली मेंबर है, या ओल्ड चाहे वो दादा हो चाहे वो नाना हो, तो आप जानते हैं कि उस ओल्ड स्टेज में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वहां एक तरह का क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्यों, आप जानते हैं ना जैसे जैसे एज होगा ना उसका साइज जो है लगभग नॉर्मल साइज 20 से 25 ग्राम होता है, जब धीरे धीरे एज क्या बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ता जाता है, तो जब ज्यादा साइज बढ़ जाता है तो जब ज्यादा साइज एक्सेस हो जाएगा एबनॉर्मल हो जाएगा, तो एबनॉर्मल होने के बाद क्या होता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड जब साइज बढ़ेगा तो इसको चॉक कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इस जो यूथ्रा है यूरिनरी ब्लैडर है इसको ब्लॉक कर जाता है, जिससे क्या पेन होता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। और इस स्टेज में जो ओल्ड स्टेज होता है बार बार क्या होता है, यूरिन जाने की नौबत आती है, आफ्टर यूरिनेशन क्या होता है, ड्रिबलिंग होता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, कपड़ा खराब हो जाता है। ये जो पेनिंग है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेज में आपको जाना है, तो ये आप जब तक नहीं जानेंगे आप उस प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, रख नहीं सकते, उस प्रॉब्लम को आप दूर नहीं कर सकते। तो ये देखा एक डायग्रामेटिक बेस पे, इस तरह से इसको हमने एक डायग्राम बेस पे कहा। अब जो है ये जो आपका एक लाइनिंग बेस है, उस आपने क्या देखा कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या देखा था, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या हुआ, टेस्टिस क्या सीक्रेट कर रहा है, जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। आपने देखा एसेसी डक्ट्स, इस एसेसी डक्ट में क्या था, इस एसेसी डक्ट में था रिटेटेस्टिस, वास इफरेंसिया, ईपी डायडाइमस और चौथा था वास डिफरेंस। इस डक्ट में क्या था, रिटेटेस्टिस ओपन हुआ था वास इफरेंसिया में, वास इफरेंसिया ओपन हुआ था ईपी डायडाइमस में, ईपी डायडाइमस ओपन हुआ था वास डिफरेंस में। आपने देखा वहां भी कि आपने देखा ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस में दो सेल होता है, एक होता है आपका जर्म सेल, मेल जर्म सेल क्या चीज का फॉर्मेशन करता है टेस्टिस का, एक होता है सर्टोलाई सेल तो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपने देखा जो सेमिनल फेर दो स्पेज होता है, टू स्पेज जो सेमिनल फेरस टिब्यूल होता है, सेमिनल फेरस टिब्यूल होता है उसके स्पेज को क्या कहते हैं, उसके स्पेज को कहते हैं टेस्टिकुलर, उस स्पेज को इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल कहा जाता है। लेडिक सेल क्या करता है, जिस हार्मोन का सीक्रेट करता है उसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक डायग्रामेटिक बेस पे आपको याद करना है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक लर्निंग बेस होना चाहिए, जिस लर्निंग बेस के आधार पर आप लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थैंक यू।